सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क डू और डाई का। सो गाइस, आर्क डू और डाई के पिछले एपिसोड में फाइनली हम लोग ने हमारा फर्स्ट डाइनो, जो कि हमारा ये एंकलोसोरस था गाइस, फ्यूनिक्स वाला, इसको टेम करने का काम करा था। और अभी मार तो गाइस शुरू हुआ, इसमें ऐसे ऐसे टायर से, ऐसे ऐसे खतरनाक से बॉसेस है जो देख के आप खुद चौंक जाओगे। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, रस्ट वगैरह के सर्वर बनाने, नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वाले एपिसोड में सबसे पहले तो मैं बनाने वाला हूँ बॉस श्राइन, या जो भी उसको बोलते हैं, शायद से वो यहाँ पे बनेगा गाइस, ठीक है। बॉस स्पॉनर गाइस हम लोग बनाएंगे, बॉस टर्मिनल, यस गाइस हम लोग बनाने वाले बॉस टर्मिनल, जिसके लिए मेटल इनगट और वाइड हाइट चाहिए, जो कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। सो सबसे पहले ये क्या चीज़ बनी, ये क्या चीज़ है यार, ये कहाँ से मिली मुझे, वाइट सिरप, पता नहीं भाई। हम लोग ने गाइस काफ़ी ज़्यादा बॉसेस को मारा था, तो हम लोग को वहाँ से गाइस ये सारी चीज़ें मिली होगी। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूँ। हीलिंग डार्ट वगैरह मिली है, टोकन शोकन मिले भाई, ये सारे भाई स्पॉइल मीट, मतलब ये वाला मीट स्पॉइल हो गए, वॉइड स्पॉइल मीट बन रहा है, वाह भाई वाह, ये सही है यार, ये सही है, चलो अच्छी बात है। बाकी तो अपना नॉर्मल वाला मीट भाई स्पॉइल करके चाहे तो हम लोग भाई मीट स्पॉइल मीट बना सकते हैं यहाँ पे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह मेरे पास अभी फिलहाल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आ जाए तो काम बच जाए। रुको, तो मेरे पास जितना भी कहीं यहाँ पे फालतू का सामान पड़ा हुआ है, मैं सबसे पहले तो वो ट्रांसफर कर देता हूँ, ये अंडे शंडे और दूसरी चीज़ है। और अभी जो है ना कि हम लोग बनाने वाले बॉस टर्मिनल, जो मेरे पास मीट पड़ा हुआ है उस मीट की मदद से हम लोग यहाँ पे जो ना गाइस, हाँ, कुक्ड मीट बनाने के लिए डाल देते काफ़ी ज़्यादा। बॉस टर्मिनल में क्यों बना रहा हूँ वो अभी आपको थोड़े टाइम में भाई, थोड़े समय में यहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी जो एंकलोसोरस है इसकी इन्वेंट्री में, इसकी इन्वेंट्री में भी काफ़ी सारा सामान है, सही है चलो। सो गाइस बॉस टर्मिनल जो है ना गाइस, वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एंड बॉस टर्मिनल हमारा ईजी पीजी बन जाएगा। ओके, बॉस टर्मिनल गाइस हमारा यहाँ पर बन चुका है। अभी बॉस टर्मिनल जो है मैं उसको जो है ना गाइस यहाँ पे कहीं पे लगा देता हूँ। अरे यहाँ पे लगाऊंगा तो थोड़ा रिस्की होगा ना काम गाइस, मुझे एक फ्लायर टेम करना है। अगर एक फ्लायर में टेम कर पाया ना तो मज़ा आ जाएगा, पता है आपको, एक फ्लायर टेम करना है। रुको, फ्लायर पीटी वगैरह, थोड़ा कन्फ्यूजन है गाइस यहाँ पे कि मतलब मैं फ्लायर टेम करूँ या ना करूँ। फ्लायर इसलिए टेम करना है ताकि मैं ऑर्गेनिक पॉलीमर वगैरह लेके आ सकूँ और टेलीपोर्टर वगैरह बना सकूँ, और इसके लिए फाउंडेशन होना ज़रूरी है। बॉस बेस पे तो स्पॉन नहीं होगा ना भाई, मैंने बॉस भाई वो लगा दिया यहाँ पे, टर्न ऑन बीन ऑन, क्या बोल रहे हो भाई। अच्छा, फाइनल बॉस में ये वाले बॉसेस है, हार्ड मोड में बाप रे ये कौन से बॉसेस है भाई, डोडो रिपर शिपर बॉसेस है भाई, इसमें इसमें तो और भी ज्यादा भाई। बॉस देखो भाई, बॉस देख रहे हो, कितने सारे बॉसेस है भाई यहाँ पर, ठीक है ठीक है, बॉसेस तो बहुत ज्यादा है। टायर बॉस, डिस्ट्रॉयर नहीं, वॉइड वाला, हाँ वॉइड बॉस भी है, वाइड बॉस की इसेंट चाहिए भाई। वाइड बॉस बनाने के लिए तुमको वाइड बॉस की इसेंट चाहिए ना, तुम थोड़े से पावड़े भी उड़े हो का, वाइड हार्ड मिल जाएंगे, वाइड डीएनए नहीं मेरे पास, ड्राउनिंग डीएनए मेरे पास पड़ा हुआ है, वाइड डीएनए शीने का। एक बॉस आज मार ही डाले क्या, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, बॉस फाइट ली जाए, हमारे पास फ्यूनिक्स वाला डायनो है वैसे भी, बट वाइड बॉस इसेंट्स कहाँ से मिलेगा, वाइड बॉस इसेंट्स भाई। रुको, ए पीडी ओए, थैंक यू फॉर कमिंग पोर्ट से। ए मेरे पास पीडी पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, मुझे लगा मेरे पास पीडी पड़ा हुआ है। रुको गाइस, ये पट से मेरे से भाई, एम देख रहे हो गाइस, एम देख रहे हो, हाँ एम एम, क्या चमन हो यार, मैं क्या चमन हो भाई, मैंने मार दिया भाई पीडी को, मैंने भगवान के पास पहुंचा दिया। वो कौन सा वाला पीडी है, वो वाला पीडी ट्वाइलाइट ट्रीट भाई, ये ट्रीट शीट कैसे बनेंगी जरा मुझे कोई बताएगा, ट्वाइलाइट वाली वॉइड ट्रीट नहीं भाई, ट्वाइलाइट भाई सारे के सारे, आधी से ज़्यादा तो भाई ट्रीट भाई यहाँ पे भाई बंद पड़ी है। रुको आगे, ये कौन है भाई, आप एक और एंकलो है, 45 लेवल का है फ्यूनिक्स वाला एंकलो, और मैंने कितने लेवल का भाई, मैंने 80 लेवल का टेम करा है भाई, ठीक है रुक जावा, मुझे एक चीज़ देखने दो कि ये ट्रीट शीट कैसे बनती है भाई। अच्छा ये ट्रीट लॉक है अभी फिलहाल के लिए, वॉइड वाली ट्रीट इकलौती कैसे अनलॉक्ड है, बाकी सब कुछ लॉक्ड है। सो इसके लिए एक और काम करते हैं गाइस हम लोग, रुको, इस वाले मॉड में गाइस इतनी सारी चीज़ें हैं ना
कि ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते करते हम लोग की बैंड बच जाएगी। ओके, मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा गाइस हमारा जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बताया अभी अभी हम लोग जो है ना गाइस क्रॉप लोड लगा रहे, एक का डबल वाले गाइस हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे क्रॉप लोड्स। अबे लगना भाई, क्या नाटक कर रहा है क्रॉप लोड भी। एक का डबल वाले जो क्रॉप लोड्स है वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो हमारी चीज़ें हैं उनको सिंपली एक का डबल कर लेंगे। अबे टेढ़ा बिढ़ा कहाँ पे लग रहा भाई, रुको इसको उठाने दो, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लाइक दिस, डन। फिलहाल के लिए इतने इनफ रहेंगे ना मेरे हिसाब से, तो इतने क्रॉप लोड अभी फिलहाल के लिए तो इनफ है। इसके अंदर हम क्या डालने वाले वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, जैसे हम लोग को चीज़ें चाहिए होगी वो चीज़ें हम लोग एक का डबल यहाँ पे करना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए मुझे बॉस समॉन कुछ तो बनाना है ना, क्या बनाना है बॉस के लिए? ये वॉइड बॉस है, फ्यूनिक्स टोकन मेरे पास पड़े हुए हैं, रुको आ गाइस। बॉस को क्राफ्ट करने के लिए सारी जो चीज़ें हैं ना गाइस, मैं एक एक करके भाई यहाँ पे एक का डबल कर लेता हूँ। पहली गाइस चीज़ है फ्यूनिक्स टोकन, फ्यूनिक्स टिकन एक का डबल हो गई भाई, फ्यूनिक्स टोकन हो गया हमारे पास। वॉइड वाले बॉस को बनाना है गाइस हम लोग को, बॉस वॉइड वाला, उसके लिए फ्यूनिक्स टोकन हो गया, ड्राउनिंग डीएनए, वॉइड डीएनए और वॉइड हार्ड ये रहा, वॉइड ड्राउनिंग डीएनए, वॉइड वाला डीएनए चाहिए, मैं लेके आ रहा हूँ नीचे से, रुको इनको एक का डबल करने दो, इन चीज़ों को एक का डबल करने दो फटाफट से, ठीक है। डीएनए चेन अभी हम लोग लेके आते गए हमारे एंकलोसोरस की मदद से, ऑलराइट। चल मेरे भाई, ए एंकलो ने अंडा दे दिया, अंडे की भी जरूरत थी, एंकलो तो कितना अच्छा है यार, मुझे अंडों की जरूरत थी और एंकलो ने अंडा दे दिया भाई, थैंक यू सो मच एंकलो भाई, कितना अच्छा है भाई है। चलो अभी मुझे बॉस मॉर्निंग जो इसेंस है वो कहाँ से बनेंगे गाइस, मतलब कहाँ से मिलेंगे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी तो चीज़ों का ठीक है यार, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे डायनो बिनो को मार के, बट बॉस मॉर्निंग जो क्या जो भी चीज़ें इसेंस वगैरह वो कहाँ से आ सकते हैं, वो कहाँ से लेके आऊँ भाई थोड़ा भाई शुरू भाई शुरू व्हाट्सअप कल कल ए भाई एक मिनट, इसने मुझे कुछ तो दिया अभी, इसको हार्वेस्ट कर लो पहले। एंकलों के बच्चे भाई इतना का पीछा कर रहा भाई, फट से पहले कट निकल, लाड़ में आ रहा है, देख रहे हो ये टोकन चोकन भाई हमारे डायनो देते हैं हमको, ठीक है ये डायनोस टोकन चोकन देते हैं, ठीक है। चलो अभी रुको मेरे पास, रुक जाओ ये देखो, अच्छा ये असेंडेड वॉइड आर्मर का ब्लूप्रिंट आया है और स्मॉल एक्सपी पोशन वगैरह मिले मुझे, और मुझे ड्राउनिंग वॉइड डीएनए चाहिए गाइस, मुझे ड्राउनिंग डीएनए नहीं चाहिए, मुझे वॉइड डीएनए चाहिए, मतलब मुझे वॉइड वाला कुछ ऐसा डायनो वगैरह मारना पड़ेगा क्या, रुको देखता हूँ मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे। मुझे फार्मिंग भी करनी पड़ेगी अगर मुझे बॉस को जो ना कहीं यहाँ पे क्राफ्ट करना है तो वो भी कर लेंगे। ड्राउनिंग भाई ड्राउनिंग अर्थ पोड़ी है, ड्राउनिंग डीएनए मिल चुका है। वाइड कौन है भाई यहाँ पे, भाई सारे ड्राउनिंग ही है क्या, पटसी है, कल आने का बेटा कल, ठीक है कल आना, कल ड्राउनिंग वाले कल। वाइड किधर है, वाइड वाला एक डायनो मिल जाए मुझे, मैं खुश हो जाऊंगा। ये वाइड वाला डीएनए नहीं दे रहे ना, लेकिन ये लोग डीएनए नहीं दे रहे मुझे वाइड वाले से, भाई बॉस टाइप डायनो ढूंढने पड़ेंगे। चलने हवा दे भाई हवा, वाइड हार्ट वगैरह मिल रहे, वो पीटी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ट्वाइलाइट ट्रीट चाहिए, वो तो ट्रीट नहीं बना सकता अभी गाइस, रुको ना। वॉइड वाला कैसे मिल सकता है गाइस हम लोग को, वॉइड वाला जो गाइस बॉस इसेंस, एक मिनट रुक जाओ, ये तो नहीं है कि बॉस इसेंस हो रहा है, मतलब वॉइड वाला जो आत्मा है या सोल है वो हम लोग को कोई वॉइड वाला बॉस ही दे पाएगा। ये ड्राउनिंग की भाई जितने डायनो मुझे दिख रहे हैं सारे ड्राउनिंग वाले हैं, मैं सबको मार रहा हूँ, और ये ड्राउनिंग वालों को मारने से मुझे वॉइड वाली चीज़ें मिल रही हैं, तो अगर मुझे वॉइड वाली चीज़ें चाहिए तो शायद से यहाँ पे कुछ बॉस वगैरह हो मे बी। आलू सोरस ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे, एक रुको रुको चलना चिड़ी की बच्ची, चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा मिली है मुझे, देखना ना भाई हवा दे हवा आवान दे भाई, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, रुको ऑक्सीजन को मारो गोली। मुझे ड्राउनिंग डीएनए मिल चुका है, बट मुझे वॉइड वाला डीएनए जो है वो अभी तक मिल नहीं रहा। कपड़े चपड़े मुझे, ओए ये वाली ब्लूप्रिंट्स मिल रही है क्या, ना भाई ना टूटने वाली है तो ये
ना टूटने वाली है ये, पट से कल बेटा कल, कल आने का कल, ना टूटने वाली है ना ये, रुक जाओ। एक काम करता हूँ मैं, पहले इसको यहाँ पे लगाऊँ, ओके, एंड ट्वाइलाइट पीटी को मार के देखूँ। वॉइड वाला बस मुझे डीएनए चाहिए गाइस बॉस को भाई, वो करने के लिए, या फिर मैं एरो शेरो बनाने का काम शुरू करूँ। चलो एक काम करता है गाइस, मैं हम एक काम करता हूँ, ड्राउनिंग ही दिख रहे अभी, जितने भी मिल रहे मुझे सारे ड्राउनिंग वाले मिल रहे। वॉइड वाला जो है गाइस इसमें कुछ भी नहीं है, वॉइड वाला ना मुझे एक भी डायनो यहाँ पे मिल नहीं रहा, अफसोस गाइस हमारी साइड लाइफ। जितने भी डायनोज भाई वो सारे के सारे ड्रॉपनी वाले। एक काम करता हूँ मैं घर पे जाता हूँ भाई, ठीक है, फटाफट से हम लोग पट्टे से घर पे जाते हैं, और घर पे क्या करना बताता हूँ। चलना हवान दे बेटा, हवान दे, हवान दे, इनको हार्वेस्ट करने से नहीं यार। कर भाई कितना दूर करेगा भाई, अरे यार एक तो एक खत्म नहीं होता। एंकलो से सेव कर रहा हूँ, रुको मैं पहले भाई, एंकलो नहीं भाई सॉरी, पैरों से सेव कर, अरे पस्त कर भाई, अरे पस्त कर भाई, क्या कर रहा भाई तू हैं? 3 लाख, अच्छा इन्फर्नल हो गया, मुझे लगा भाई तुम मेरी तरह ही हो इन्फर्नल। भाई देख पंगा नहीं, हाँ उड़ा डाला बेस केक मेरे को, भाई मुझे लगा मैं पीटी बना दूंगा इसकी, अरे मैं, अरे भाग, मेरा एंकलो भी मार दिया भाई, भाई इसलिए बोलते भाई। नहीं यार भाई ये क्या बदतमीजी हुई भाई, फालतू में फेल दिया भाई, फालतू में फेल दिया मेरा एंकलो, मैं कितनी मुश्किल से डेम कराता हूँ एंकलो भाई। रुको यार ये क्या बात हुई भाई, हट पे आलू का बच्चा भाई चमन, मुझे लगा भाई वो इन्फर्न वो वाला है, फ्यूनिक्स वाला है, जैसा मैंने वो टेम कराया ना अपना एंकलो वैसे ही दिखा मुझे बात दूर से, तो मुझे लगा फ्यूनिक्स वाला है। मैं गया उसको पप्पी देने के लिए भाई, उसने एक फटके में भाई मेरे को उड़ाया, उसके बाद मेरे एंकलो को उड़ाया, मतलब पहले राइडर को उड़ाया उसने काट के भाई इसकी आँख, बहुत ज़्यादा चमन था वो, बहुत ही ज़्यादा चमन था भाई। मुझे अपने भी पेटी लूटनी पड़ेगी चुप्पे से भाई, दो दो भाई खड़े वहाँ पे, मैं पेटी कैसे लूट पाऊंगा, देखता हूँ ट्राई करता हूँ उनको पेटी लूटने की। यार चमन है भाई एंकलोसोरस, जैसे मुझे ही चुल मचे थे उनके नज़दीक जाने की। मेरा इकलौता डायनो जिससे मैं सबकी बैड बजा रहा था वो भी मारा गया इस चक्कर में, मेरा प्यारा सा एंकलोसोरस भाई, उसकी भी पेटी बन गई यार। रुको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना, ये बाद में कर लो, इधर आओ चलो, इधर आओ चलो, आओ। अबे आप सोच रहे हो ये क्या कर रहा भाई, इनको मैं चकमा दे रहा हूँ भाई, देखो ऐसे चकमा दिया जाता है भाई, इट्स ऑल पार्ट ऑफ माय प्लान, ये प्लान में शामिल नहीं था, ये प्लान में शामिल नहीं था, मैंने सोचा गोल गोल घूम के जाऊंगा, वैसे ही जाना पड़ेगा गाइस मुझे, गोल गोल घूम के मेरी पेटी लेनी पड़ेगी पहले मुझे ना, पहले गाइस सबसे पहले टेलीपोर्टर सोलगन जैसी बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि हमारा सामान वगैरह भाई रिटर्न देने में काम आती हैं, उन चीज़ों को जो है ना गाइस यहाँ पे बना लेना है। वो एक बार बन गई ना तो मरने के बाद झंझट नहीं रहेगा, अभी कैसे गाइस मुझे जाके बार 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 वहाँ पे जाके जो है ना उनको वो अपना सामान वगैरह लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे जाकर भी एक दो बार और मरना पड़ेगा मुझे। सो इसलिए मैं एक पीटी डेम करूँगा अभी, पहले तो मुझे जाके वहाँ पे ना, रुक जाओ अपना सामान लेने दो, उसके बाद एक पीटी डेम करता हूँ, फिर जाके पॉलीमर लेके आता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक लेके आता हूँ, एंड उसकी मदद से आराम से हम लोग अभी मरने के बाद सामान वगैरह जो है वो वापस से ले पाएंगे, ठीक है। रुको भाई, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, अबे भाई इसका भी अलग ही स्वैग है, संभल के रुको। हाँ भाई लेफ्ट में है राइट में वो है, तो मेरे पीछे आ रहा है क्या, वो तो उसके पीछे आ रहा है, भावड़ा हो रहे क्या भाई, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा भाई, लेफ्ट में है राइट में वो दोनों आलू भाई। ऊपर जाने के लिए ग्रैपलिंग हुक वगैरह बनाना पड़ेगा, मार दे उसको
अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? मैंने क्या बिगाड़ा इस भाई आलू का? क्या बिगाड़ा है भाई? मारा भी नहीं, मैं तो वैसे भाग रहा था। ची मेरी भाई जिंदगी झंड करके रख दी है आलू सोरोस ने। रुक जाओ भाई, पेटी लेने में भाई मेरी पैंट बजा रहे हैं। उस पेटी में बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है भाई, कुछ आर्मर वगैरह भी पड़े हुए काफ़ी ज़्यादा ओपी वाले, उसी के लिए जा रहा हूँ मैं। रुक जाओ, इस बार शायद से मैं लूट पाऊंगा। इनको मेरी पेटी से दूर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं पेटी लूट सकता हूँ, वरना ये चोमू आलूसोरस मुझे पेटी लूटने नहीं देंगे मेरी। ये वाला दूसरा आलूसोरस यहाँ पे है अभी तक स्टिल, देखता हूँ। रुको देखता हूँ, ये देखो। अरे यार नहीं भाई। अरे कैसे, क्या करूं मैं? मार रहे भाई आलूसोरस, मेरी पेटी नहीं लूट पा रहा हूं मैं। अभी मुझे भाई पता चल रहा है टेलीपोर्टर की अहमियत। काश मेरे पास टेलीपोर्टर होता, सारा सामान गाइस मुझे अभी तक मिल चुका होता। यार आलूसोरस भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मार रहे मेरे को। जब तुम अभी वहाँ पर भाई, मैं अभी भाई तुमको दिखूंगा ही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ पानी के अंदर से। अभी आना नहीं ऊ करके भाई पानी के अंदर भी, पहले बता रहा हूँ मैं पानी के अंदर से इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर से जा रहा हूँ। देखो दोनों के अंडे पड़े हुए वहाँ पे, संडे वा मंडे रोज खाओ अंडे, बट रहने दो यार, ये अंडे लेना महंगा पड़ सकता है। अरे रहने दो भाई, लालच तो कर रहे हैं, उनका अंडा ले लूँ मैं चुरा लूँ, बट कोई ना अभी नहीं चाहिए मुझे इनके अंडे। मैं जा रहा हूँ चुपचाप से ऊपर, पहुँच गया भाई, मिशन सक्सेसफुल। मुझे बस एक एंक्लोसोरस चाहिए और, मेरा जो मरा हुआ एंक्लोसोरस है, ठीक है वो यरी मेरी पेटी। अबे उठाना जल्दी, अबे तो एंकलो की पेटी है, यरी मेरी पेटी। अरे उठा भाई जल्दी से। हाँ चलो, यहाँ पे मैंने वो रहा एंकलो, अपना फ्यूनिक्स ही है ना, फ्यूनिक्स है भाई, 50 लेवल का फ्यूनिक्स है। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। इधर कम इधर ब्रो। आ जा मेरे जान, कोई आना नहीं रे उंगली करने के लिए, पहले बता रहा हूँ। इग्वांडन तू भी टेम होना चाहता है मेरे से टेम होने का सौभाग्य। रुक जा, तेरे को भी मिलेगा सौभाग्य मेरे से टेम होने का। ले तू भी मेरे से टेम हो सकता है। अबे तेरे मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। अरे बाप रे, इसके मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। कोई ना बड़े शहरों में से छोटी छोटी देश होती रहती है, वापस से जाएंगे। इस बार एंकलो और फिनिक्स दोनों को टेम करके लाएंगे, ठीक है भाई? डरे है क्या भाई? इस बार दोनों को टेम करके लाएंगे भाई। बावड़े हो गए भाई ये, भाई आलूसोरस बावड़े हो गए। मुझे घर पे जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इन आलूसोरस को मैं मार नहीं सकता। वो देखो कैसे पागल हो गए भाई, मेरे पीछे लग जाएंगे ये मेरे को पता है ना, पक्का मुझे पक्का सो टक्का पता है भाई। ये लोग लगेंगे तो मेरे पीछे ही लगेंगे, घूम के जाऊंगा मैं, देखता हूँ कैसे लगते। मुझे टोकन वगैरह लगे वहाँ पर, इग्वांटन को हम लोग टेम करेंगे। अरे इग्वांटन बोला हो सकता है मेरे हिसाब से, जितना मुझे नॉलेज है शायद से हम लोग इग्वांटन को बोला कर सकते हैं। को मैं देखता हूँ, पहले अपनी पेटी लूट लूँ। एंकलो को तो मैंने नॉकआउट कर लिया है, अभी बस इग्वांटन को नॉकआउट करना है। दो हमारे पास फ्यूनिक्स वाले डायनो रहेंगे, और एक पेटी भी वहाँ पर दिख रहा है, उसको भी नॉकआउट कर लेता हूँ। रुको भाई, हमारे सारे डायनो को लेकर फिर घर पर चला जाऊँगा मैं, फिर मुझे टेलीपोर्टर वगैरह वो जो दूसरी चीज़ है वो सारी बना लेनी है। ओके इग्वांटन में इसलिए टेम कर रहा हूँ क्योंकि इग्वांटन से ना बेरीज मिलती है। वो भाई दोनों तो उधर ही है भाई, दोनों के अंडे उठा के भाग लो, उनको थोड़ी पता चलने वाला कि मैंने अंडे उठा लिए। ये पता चल गया, शिट आ रहा हूँ पीछा करके भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पीछा करके आ रहा वो। क्या हो गया, भाग गया? पीछा करके आ रहा था गाइस, वो आ रहा था वो पीछा करके, नहीं आ रहा अभी शायद से। रुको मुझे अपने कपड़े शपड़े पहनने दो। हेलो इग्वांटन, कितना टॉर्पर चढ़ा है? ऑलमोस्ट तो चढ़ा है भाई, तो भागना शुरू करते हैं। हाँ भाई वहाँ पे आलू सोरस है, उसके मुंह पे जाके भाई वो कर ले तू, जाए भाई जा उसके थोबड़े पे जा भाई, मैं इसको बोला कर लेता पहले। चुल तो मुझे भी मची थी वैसे भी, छोड़ो कोई ना, एंकलो सोरस को टेम कर लेता हूँ, इनके अंडे उठा लूँ मैं। इन्फर्नल वाले अंडे हम लोग को मिल चुके हैं, एंकलो को टेम करने के लिए रेगुलर वाले किबल चाहिए बस। मैं इसके अंदर का इस डाल देता हूँ रेगुलर वाले एक दो किबल, एफएम के वाला का इस जो पोजिशन है हमारे भाई वो डाल देता हूँ, ठीक है? और रेगुलर किबल से ये हो जाएगा भाई यहाँ पे टेम, बराबर ये हो जाए टेम भाई।
ये खा लिया रेगुलर केबल, हमारा एंक्लोसोरस हो चुका है 74 लेवल का टेम। चलो वो इग्वांडोन कहाँ पे है मुझे उस वो रहा आलू है यार वहाँ पे, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा डर तो लग रहा है मुझे। वो देखो आलू, देख रहे हो आलू को बच्चों को, भाई इसकी हेल्थ तो बढ़ा दो भाई। आलू के हाथों पे कुत्ते की मौत मारा गया था ये, अगर आलू हमला करते बेटा बैंड बजा के रख देनी है उनकी, ठीक है एंकलोसोरस याद रखना, आलू सोरस की बैंड बजा के रखनी है। क्या कर रहा है यहाँ, चल लेवल अप दे दो इसको, रुको लेवल अप चेवल अप दे दो थोड़ी। इग्वांडोन तो मैं टेम करके जाऊँगा भाई, मैं इग्वांडोन तो टेम करके जाऊँगा, उसको लेवल अप दे दो। आलू सोरस अभी हमला करके दिखाया भाई इसके ऊपर, फिर बताता मैं, फिर मेरा एंकलो बताएगा उनको कि क्या चीज़ है वो। अरे तो उसके सामने जाके खड़े हो गए ये लोग जो है गाइस, वो इग्वांडोन उसके सामने जाके खड़ा हो गया आलू के सामने। पट से बराबर कौन सा वाला भाई किबल चाहिए तेरे को रेगुलर? इसको भी रेगुलर ही चाहिए होगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे आइडिया है इसको भी रेगुलर किबल ही चाहिए होगा। एक रेगुलर किबल से तू भी टेम हो गया बराबर, चुपचाप ये पे बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो ठीक है। अबे जंप, अच्छा वो बफ पड़ा हुआ है, इधर आ भाई, नाइस वन। फट से बम शॉट, भाग रहा था बहुत ज़्यादा, भाग रहा था ना, सिंपल की बल ना भाई, सिंपल की बल। इसके अंदर ये क्या चीज़ें हैं, सिंपल की बल ले और एफएम के वाला ये भी ले, हो जा टेम ठीक है। तेरा बोला कर रहा रे भाई, वो आलू सोरस ना आ जाए बस यहाँ पे बस ठीक है। आ जाओ भाई, लेट्स गो। ओपी बोलते बॉयज, ओपी बोलते ठीक है। इसके ऊपर बिठा के इन दोनों को पैसिव करूँगा मैं, आ जाओ मेरे पीछे आओ। अभी इनको समंदर के किनारे से हम लोग घर पे लेके जा रहे, देख रहे हो भाई, चॉलेंट गाइस ठीक है। चलो भाई इसका डैमेज बढ़ा दो मुझे एंक्लोसोरस का, ताकि वो चमन अगर वापस से मेरे एंक्लोसोरस के ऊपर हमला करते हैं तो भाई हमारा एंक्लो उन एलोसोरस की बैंड बजा सके ठीक है। चलो पानी के सहारे जाएंगे हम लोग, पानी के सहारे। अच्छा पेटी, पानी थोड़ा सा सेफ है क्योंकि यहाँ पे आगे कौन आएगी, शार्क वगैरह आएगी, उनकी तो बैंड बजा देंगे हम लोग। इग्वांडोन नहीं, पीटी आ रहा है ना पीछे, आ रहा है भाई। एक बार पीटी मिल गया ना तो फिर टेलीपोर्टर वगैरह सब कुछ बना लेंगे हम। आ जा इग्वांडोन, तू भी आ जा, ये बेरीज वगैरह सीड वगैरह बनाने के काम आएगा। वो देखा आलू, क्या हुआ बेटिया, आलू बच्चे मस्ती नहीं आई? वो देखो आलू आराम से वहाँ पे घूम रहे, एक टाइम आएगा अपना भी जब इन आलू सोरस को भी टेम करेंगे और मारेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए तो मार नहीं सकते इनको, इसलिए से पानी में से लेके जाना पड़ रहा है भाग भाग के कोने कोने में से। ओके चलो आराम से। और मुझे ना गाइस एक आर्मर भी मिला है अजीब सा कोई, तो वो आर्मर भी मैं अभी बना लूँगा। ओके बेटी और एक वांडन दोनों फॉलो कर करके आ रहे हैं, देखना पड़ता है बार बार, यहाँ से इनको ऊपर चढ़ाऊंगा मैं। ये वाला जो गाइस एरिया है ना, यहाँ पे हमेशा इसलिए घर बनाता हूँ क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए ना जिगजैक रोड है। अगर कोई डायनो आपको फॉलो करके भी आना चाहे तो गाइज इसमें तो आर्क टू की तरफ पार्ट फाइंडिंग नहीं है, सो वो यहाँ पे आके अटक जाता है नीचे। जिगजैक वाला जो गाइज ये पहाड़ है ये चढ़ता नहीं है वो कभी भी, सो ये जो ना गाइज एडवांटेज होता है इस जगह पे घर बनाने का। इसलिए मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो मैं उधर कम घर बनाता हूँ, इस किनारे पे ज़्यादा घर बना लेता हूँ। इग्वांडोन रुक जा भाई, रुक जा आ जाना मेरे ऊपर हमला कर, तेरे को बताता हूँ। तो पीटी पे क्या हमला कर रहा है भाई, मासूम जानवरों पे क्या हमला कर रहा है तू? इग्वांडोन आ जाए इधर, हाँ चलो इनको लेके चलता हूँ सीधा ऊपर। ओके काम बातचीत से गाइस इनको आराम से ऊपर लेके जाके वहाँ पे रख देता हूँ। अभी हमारे पास एक बैकअप वाला डायनो भी रहेगा जो कि रहेगा गाइस हमारा इग्वांडोन, और इग्वांडोन की लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चलो लेके आ गया गाइस मैं इनको घर पे, अनफॉलो आराम से बैठे रहो,
तेरी भी हेल्थ वगैरह में पॉइंट डाल देता हूँ, इक वन डॉट। इसके अंदर कोई तो भाई वॉइड वाले कुछ तो बन रही है भाई, इनफर्नल सीड शीट बन रही है भाई, पता नहीं ये किस काम आएगा, पर शायद से किसी ना किसी काम तो आएगी। चलो अभी मुझे फटाफट से, एक मिनट रुक जाओ, इसके इन्वेंट्री में कोई सामान नहीं है ना मेरे पास, ये देखो ये ऐसे अजीबो गरीब भाई वो मिला है मुझे, ये ना टूटने वाला है गाइस, ये कभी भी टूटेगा नहीं, ऐसा आर्मर मिला है मुझे। चेस्ट पीस ये रहा, बना लेता हूँ मैं, नहीं यहाँ नहीं बनेगा। ओए भाई तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहा है, रुको ये सब डाल लें तो, एक आर्मर बिरमर भी मिला है मुझे, रुक जाओ ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पर डाल लें तो, कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना एक्सेस से, डीएनए तो जितने चाहिए नहीं थे उससे ज़्यादा मिल गए मुझे। ये बंद कर लो भाई, ये एक का डबल, इसमें एक का डबल होने दो, डीएनए शीएनए, चलो एक का डबल होने दो, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग फेंक देंगे वो, ओके। बाकी तो ये कपड़ों की, अच्छा इन स्किन की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या चीज़ मिली, ये कौन सा वाला मिला है मुझे, ट्वाइलाइट हार्ड भी मिल गए मुझे, मैंने ट्वाइलाइट वालों को मारा भी नहीं, शायद से वो एलोसोरस मार रहे थे गाइस वहाँ पे, सो उनके हार्ड भी मेरे इन्वेंट्री में आ चुका है अभी, अच्छी बात है। चलो क्रिस्टल विस्टल ये सारे चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, और ये भी डाल देता हूँ फटाफट से, बराबर। ये मेटल कहाँ पे, मेटल चाहिए होगा मुझे थोड़ा, मेटल दे, हाँ सीड वगैरह ये सारी चीज़ें, ये एंकलों की गाइस इन्वेंट्री की चीज़ें हैं, वो सारे मैं यहाँ पे भर भर के रख देता हूँ, बराबर डन। 1400 अपने पास हुआ चुका है, बराबर रखो, स्पॉल मीट और बढ़ा लेता हूँ। अभी मुझे बना लेना ये, और एक हेलमेट, हेलमेट नहीं मिला है ना मुझे, हेलमेट नहीं मिला ना ये वाला, अरे मिला है तो, ये रहा हेलमेट, ये रहा हेलमेट, हेलमेट बना लेते हैं, ठीक है। कितना टाइम बचा हुआ है इसमें, 56 सेकेंड, ये और ये यहाँ पर जाएगा, इसके हम लोग स्किन निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर डाल देंगे, इन दोनों को यहाँ पे आने दो, इसके ऊपर अभी हम लोग हमारी ये वाली स्किल निकालेंगे, लगा देंगे, तो ये कभी भी ना टूटने वाला आर्मर है, और इसका आर्मर प्रोटेक्शन जो है वो 200 का है, सो ये मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखेगा, बाकी लुक जो है गाइस इस वाले आर्मर का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखो गाइस, पर्पल ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन ओपी बोल दे गाइस, खतरनाक लग रहा है। चलो तो गाइस अभी मुझे पीटी का एक सैडल बना लेना है, पीटी का सैडल, ये बन गया पीटी का सैडल। और क्या मेरे पास पॉलीमर है टेलीपोर्टर वेलीपोर्टर बनाने के लिए, टेलीपोर्टर ही अनलॉक नहीं है, पहली बात तो टेलीपोर्टर ही अनलॉक नहीं है। ये लो सोल गन अनलॉक है, सोल गन, सोल, मैन मैंने सोल गन डाली नहीं है, नहीं है तो सोल गन अनलॉक्ड है, अनलॉक्ड है, ठीक है। सो टेलीपोर्टर बना पाएगा मैं, सीमेंटिंग बेस पॉली इलेक्ट्रॉनिक और पॉलीमर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है मेरे पास ना, इलेक्ट्रॉनिक एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है ना, नहीं 50 का 50 चाहिए पॉलीमर, सीमेंटिंग पे इसमें बना लेता हूँ यहाँ पे भाई। सो यहाँ बनेगा, उसके बाद सो यहाँ बनेगा, ठीक है। सीमेंटिंग पे से हम लोग लूट के भी लेके आते रुको, और सो यहाँ पे बनेगा। ये सारी बेसिक वाली चीज़ें गाइस वो आज हम लोग बना लेते, बाकी जो आगे का काम है वो हम लोग आने वाले एपिसोड में कर लेंगे। पीटी की हेल्थ थोड़ी, यार डायनो का वेट, मैं ज़्यादा पॉइंट तो इनके वेट में डालने पड़ेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। एपीएम के वाले हीलिंग पोशन, रुक जाओ थोड़े बनाने दो मुझे, ओके 200 नहीं 100 ही बनाने भाई, 200 नहीं बनाने 100 ही बना लो, रुक जाओ भाई, ठीक है। सीमेंटिंग पेस भी मैं लूट के लेके आता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक ना मुझे टेक वाले डायनोस यहाँ पे मिल सकते हैं ऊपर, या टेक स्टेगो वगैरह होते हैं कभी कभार, तो अगर किस्मत ने साथ दिया, डैम कोई तो हमला कर रहा है भाई, कोई तो हमला कर रहा है, किस खुशी में, किसको भाई, 1.5 लाख का डैमेज, 1.5 लाख का डैमेज, 1.5 लाख का, मजाक उड़ रहा है क्या, 1.5 लाख का डैमेज दिया वो ड्रोन ने, 1.5 लाख मेरा इकलौता पीटी भी मार दिया भाई चमन ने, 1.5 लाख डैमेज भाई, जिंदगी झंड बना रखी है मेरी, इग्वांडोन तेरी स्पीड है ना, 1.5 लाख डैमेज दे रहा भाई, इग्वांडोन की बैंड ना बजा दे कहीं पे, अरे यार इग्वांडोन तेरी बैंड बज जाएगी, नहीं बजने नहीं दूंगा तेरी बैंड, बजने नहीं दूंगा, तू टेंशन न को लेना भाई, तू टेंशन न को लेना, तेरी बैंड ना बजने दूंगा मैं, रुक जा चल भाई, 1.5 लाख डैमेज दिया है चमन ने इग्वांडोन को, इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसकी मूवमेंट स्पीड ना बहुत ज़्यादा तेज है, देखो भाई स्पीड, देखो स्पीड घट जाएगा भाई, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, मार,
डेढ़ लाख का डैमेज दिया अटैक ड्रोन बेस के, कहाँ से आ गया क्यों आ गया पता नहीं भाई। अच्छा तू इसको नहीं मार, अच्छा मीट वगैरह हार्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं भूल गया था रुक। तो उसका डेढ़ लाख का डैमेज जा रहा है, तो तेरी दो लाख तो हेल्थ भाई कम से कम होनी चाहिए। एक वन टर्न की दो लाख हेल्थ कर रहा हूँ मैं, ताकि वो डेढ़ लाख डैमेज वाले से बच पाओ एटलीस्ट मैं ड्रोन से। लो बेटा टेक, ये देखो टेक वाला भाई यहाँ पे मिल गया मुझे, मिल गया इलेक्ट्रॉनिक भाई, हाथ से लूंगा लेना तो हाथ से ही पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है, बिल्कुल हाथ मार मार के लेना पड़ेगा अभी, और कोई चॉइस ही नहीं है। चलो मिल गया मेरे को इलेक्ट्रॉनिक, कब इसका मैं इक्का डबल कर सकता हूँ भी ऑर्गेनिक पॉलीमर की जरूरत है। ओए ये वुडन सिल्क कितना ज्यादा हार्वेस्ट कर रहा भाई, वो ज्यादा वुडन सिल्क हार्वेस्ट कर रहा है। ओ इसके लिए भाई इसकी जरूरत थी दो लाख भाई तेरा, ठीक है दो लाख तेरी हेल्थ कर दी है मैंने भाई। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं गाइस मैं, कहां से आ रहा है ये, कौन है ये अटैक ड्रोन, मेरे इग्वांटॉन को भी मार दिया, एक और इग्वांटॉन दिख रहा है, कैसे क्यों कब कहां से क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका जो मेरे मारने के पीछे पड़ा हुआ ये। पता नहीं भाई मैंने इस चमन ड्रोन का क्या बिगाड़ा है पता नहीं, बड़े मेरे पीछे बहुत भाई जरूर पड़ा हुआ है, आके मार के चला गया, कहां से मारा कुछ पता नहीं भाई, आया गोलियां मार, हाँ 2 मिलियन, अबे क्या क्या है ये, क्या है ये भाई, मैं अपनी बेटी भी ना लूटू अभी, क्या चल रहा भाई ये, आज तो मुझे हर कोई आके मार भाई, 2.5 मिलियन का डैमेज दिया उसने, 2.5 मिलियन का समझ रहे हो, पहले तो 2 लाख का दिया था मैंने, 2 लाख कर दी हेल्थ अपने इग्वांटॉन की, ताकि एक फटके में मर ना जाऊं मैं, बाद में भाई डायरेक्टली दिया भाई 2 मिलियन का डैमेज, बताओ क्या करे अभी, ये आएगा मारने के लिए, दिख भी नहीं रहा ना यार ये तो, पता नहीं कहां से आ रहा है कब आ रहा है, चुप पे जाऊंगा मैं, ड्रोन के बच्चे तू मेरे को देख ही ना, कैसे कहां से देख रहा है यार मेरे को, मेरा दिमाग खराब कर दिया गाइस ये ड्रोन ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा, कैसे कहां से क्यों कब कैसे देख पा रहा है मेरे को ये, 3 मिलियन भाई डैमेज क्या, हर एक हिट के बाद इसका डैमेज इंक्रीज हो रहा है क्या भाई, 2 मिलियन था अभी 3 मिलियन का डैमेज दिया है, जिंदगी बर्बाद कर दिया है ड्रोन ने मेरी भाई, दिख भी नहीं रहा मार कहां से रहा है, सच में दिख भी नहीं रहा, रिपर भी आ गई यहाँ पे, किस्मत मेरी कितनी खराब है ना, कितनी खराब किस्मत है मेरी, रिपर शिपर भी आ गई, ड्रोन प्लीज ना ड्रोन यार मेरी पेटी लूटने दे मुझे प्लीज भाई, क्राउच करके जाऊंगा तेरे को तू देख नहीं पाएगा मुझे, वो रहा ड्रोन उड़ रहा है वहाँ पे, देखा मैंने उसको उड़ रहा है वहाँ पे, मैं क्राउच कर करके जा रहा हूँ ताकि वो मुझे देख ना पाए। अरे नहीं खेलना मेरे को, गेम ही नहीं खेलना यार, मेरी पेटी नहीं लूटने दे रहा गाइस मेरे को ये, मैं एक काम कर रहा भाई, देखो गाइस देखो भाई वो ड्रोन से मैं 100-200 बार तो मरना नहीं चाहूंगा भाई, ठीक है मेरी पेटी नहीं लूटने दे रहा ये, मेरी पेटी लूट लूं तो मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन वो वही नहीं करने दे रहा भाई, घर पे ना आ जाए वो यार, इस बात का डर लग रहा है घर पे आ गया तो पूरा घर उड़ा देगा यार वो, रुको अभी कैसे काम करने दो मुझे, मैं काम करता हूँ बस खत्म बात खत्म, और एक सोल गन और थोड़े सोल बॉक्स खत्म डन, रुको जादू की मदद से थोड़ी चीज़ें मैंने ले ली है, थोड़ी सी चीज़ें ले ली है, ओके अभी मैं फटाफट से ये यहाँ पे लगा के पहले अपनी चीज़ें ले लूँ, ठीक है डन, वहाँ पे एक इग्वांटॉन है भाई, अपना मरे हुए इग्वांटॉन को जो है ना गाइस हम लोग वापस से रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं, एक बार चीज़ें मिल गई ना ऐसे तो भाई कोई सीन ही नहीं है फिर, टेलीपोर्टर रिमोट टेलीपोर्टर सोल गन भी है ना, हाँ सारी चीज़ें हमारे पास, चलो आ जाओ अभी इनके से, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगा गाइस यहाँ पे कि हम लोग मर गए करके, मारूंगा इतना पता नहीं कितना शार्क की बच्ची, तो निकल ले सीधा
लाड में हरे मारने के लिए। ये ड्रोन 3 मिलियन डैमेज दे रहा है यार, अटैक ड्रोन क्या है भाई ये अटैक ड्रोन चीज, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो, बहुत मार रहा है भाई वो अटैक ड्रोन का बच्चा, मतलब नजदीक उस उसके एरिया में जाओ ना सीधा भूत बना रहा है मार मार के उसके में एरिया, उसके एरिया में जाते ही भाई बाद में कर ले तू, चल भाग ले यहाँ से। ड्रोन बेटा अभी मारने नहीं आना, पहले बता रहा हूँ मैं एक वन डाउन को टेम करने आया हूँ, वो कितने दूर से भाई एग्रो हो रहा है ये भी नहीं पता मुझे, इस वाले एरिया में ज़्यादा रहना है मुझे। एक वन डाउन इधर मैं एक वन डाउन को लेके जा रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा दूर मैं, बहुत ज़्यादा दूर भाई, बहुत ज़्यादा दूर एक वन डाउन को लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो ड्रोन आके वापस से भाई मुझे मार दे, इसलिए मैं एक वन डाउन को फॉलो करा करा के इतना दूर लेके आया हूँ। अभी यहाँ पे भी ड्रोन आके मार के गया ना, एक वन डॉन ने भी पीछा छोड़ दिया मेरा, ठीक है थैंक यू एक वन डॉन फोर्थ सेट शॉट। कितना टॉर्प हो रहा है तेरा 1-4 भाई, लेवल अच्छी मिली है, लेवल अच्छी मिली इस बार। कॉम्पी भाग रहा है कि नहीं भाई, भाग रहा है कि नहीं कॉम्पी के बच्चे, लेवल अच्छी मिली है ठीक है। एक और आखिरी मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कीबल कितने चाहिए, 2 ना, सिंपल कीबल 2 डाल रहा हूँ मैं, उसके बाद FMK वाला 10 ml पर एक डाल रहा हूँ, सिंपल की बल 3 ले ले हो जाए टेम, ठीक है डन। इसको लेके पहले घर पे जाओ भाई, ड्रोन से मैं दूर चला जाऊँ, मैं इसको मरवाना नहीं चाहता हूँ भाई, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, मैं इसको बिल्कुल मरवाना नहीं चाहता हूँ। ये भाई काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज जो है ना कि जो मुझे भाई जमा करके दे रहा है, ये ड्रोन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कर लेंगे गाइस, जिसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेंगे हम लोग। अभी बहुत ज़्यादा मार रहा है ये ड्रोन, हद से ज़्यादा, और वहाँ पे एक रीपर भी स्पॉन हो रखी है जो कि पता नहीं कौन सी वाली वेरियंट वाली रीपर है। ये ड्रोन का तो हम शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, बाकी सोलगन और टेलीपोर्टर मैंने जादू की मदद से ले लिया है गाइस, थोड़ी सी चीटिंग करी है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, मुझे बस ऑर्गेनिक पॉलीमर ही चाहिए था, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, सीमेंटिंग पेस्ट भी था, इलेक्ट्रॉनिक भी था, ऑर्गेनिक पॉलीमर के लिए मुझे जाना था वॉल्केनो बायोम में, बट रस्ते में वो ड्रोन मिल गया जिसने मेरे पास बैंड बजा के रख दी। अभी क्या कर सकते बताओ, वो ड्रोन से बचने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा इसे। ओके अभी इक्वान डॉन को मैं यहाँ पे संभाल के रख दूंगा, ओके अच्छी बात है। एंड इनके लिए आर्मर वगैरह होगा ना गाइस, वो भी मैं बना लूँगा। और अगले एपिसोड में मैं क्या करूँगा पता है, अभी ऑर्गेनिक पॉलीमर मुझे चाहिए, मतलब PT को टेम करना पड़ेगा मुझे, ऑर्गेनिक पॉलीमर स्टिल मेरे पास नहीं है, सो वो ऑर्गेनिक पॉलीमर लेने के लिए अगले एपिसोड में हम लोग वॉल्केनो वाले भाई में चले जाएंगे। बाकी जो आज हम लोग ने एंकल ऑफ फ्यूनिक्स वाला और ये जो इग्वांटन टेम करा, इनके लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट में जरूर लिख देना। बाकी अगर आज का एपिसोड डू और डाई का पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get